अपने IMF के आगे गिरवी रखा जा रहा है, स्टेट बैंक के हवाले से भी उनके बयान थे और डॉन लीग्स का भी वो इशू छेड़ते हैं, तो अपोजिशन को क्या आप नहीं समझते कि जो मुल्की मफादात में इकदाम हैं उनको ऐसे तरीके से उनका बयान देने चाहिए ना कि वो देखें जो अपोजिशन है वो शुरू से मुल्की सालमियत के साथ खेलती रही है। FATF के कवानीन पे उन्होंने हमारी मुखालफत की, हालांकि FATF की ग्रे लिस्ट में हम डले ही उनके दौर में थे। इसके साथ साथ आप देखें कि अभी हालिया PMLN के एक रहनुमा ने एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी की, ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। IMF की वो को हमें कहते हैं तो 19 मरतबा तो ये IMF में गए थे हमारे आने से पहले, उस वक्त IMF अच्छा था, अब IMF अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि लोग इनका असली चेहरा जो है वो जान चुकी है और अब हमें मजीद आगे की तरफ देखना चाहिए, इन लोगों के शोर शराबे पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए मोबाइल फोन जो है उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स भी हैं जो जरा सस्ते हैं और जो दूसरे दुनिया के जो बेहतरीन जदीद तरीन स्मार्टफोन्स हैं वो पूरी दुनिया में महंगे हैं, क्योंकि वो एक तकरीबन कंप्यूटर से ज्यादा ताकतवर चीज़ है जो आपकी जेब में होती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं जैसे जैसे पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स की पैदावार बढ़ेगी तो इंशाल्लाह वैसे वैसे पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स की कीमत भी कम होगी। देखें स्मगलिंग जो है इस वक्त, एक वक्त था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत के आने से पहले के 70 से 80% स्मार्टफोन जो पाकिस्तान में और मोबाइल फोन बिकते थे वो स्मगल्ड थे, 70 से 80%। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1% भी नहीं है। उसकी वजह है कि हम डर्ब्स सिस्टम लेके आए जिसने ग्रे मार्केट को एलिमिनेट किया और इन जैसे लोगों को, एयरलिंक जैसे लोगों को मौका मिला कि वो जो दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर थे, पाकिस्तान के सबसे बड़े इंपोर्टर थे स्मार्टफोन के, अब वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बनने जा रहे हैं। वो इसी वजह से कि इनको मौका मिला है कि आप ये यहाँ पे, और फिर हमारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जिसमें बेशुमार इंसेंटिव शामिल है। देखें इस वक्त पूरी दुनिया में एक कमोडिटी शॉक आया हुआ है और खाने पीने की अशिया और दूसरी अशिया जो हैं अगर आप उनके ग्राफ देखें तो वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमने हालिया 8 अरब रुपए के करीब यूटिलिटी स्टोर्स का एक पैकेज दिया है तारीखी। हम सूबाई हुकूमतों को भी ये तलकीन कर रहे हैं कि सहूलत बाजार और रमजान बाजार का जगह जगह पे इनेकाद करें ताकि आम आदमी के लिए जो खाने पीने की अशिया है वो इंशाल्लाह ताला रमजान में कंट्रोल में रहे। देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गरीब लोग बसते हैं और हमारी आपस की लड़ाई की वजह से सबसे ज़्यादा गरीब पिसता है और बड़ी हमें बदकिस्मती की बात है कि हमारी तरफ से तो इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी एक आउट ऑफ द बोल्ड, हम जब आए थे तो हम कोई इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ जो मोदी सरकार कर रही है हम उसे आंखें भी बंद नहीं कर सकते और उनका रवैया भी बड़ा एक अजीब व गरीब सा रवैया है वहाँ पर मोदी का। और आपने देखा कि पूरी दुनिया जो है उसके सामने अब हिंदुस्तान का चेहरा जो वो कश्मीर में कर रहे हैं, जो वो अंदर अपने मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, सिख बरादरी के साथ कर रहे हैं अपने मुल्क में, वो सारी दुनिया के सामने उनका चेहरा जो है वो यहाँ होता गया है। पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ना चाह रहा था जबकि मोदी साहब अपनी जाती सियासत की खातिर उन्होंने मजहबी इख्तलाफात को और दूसरे जो लासानी इख्तलाफात थे इंडिया में उनको तोल देना शुरू कर दी है, तो जो बड़ी बदकिस्मत। देखिए ये जैसे जैसे हम ये दोनों एक तरफा कोई चीज़ नहीं होती, ये देखें हमें आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इंडिया का क्या रवैया है और उस हिसाब से। इसका मेरे मुझे इस चीज़ का कोई इलम नहीं है। देखिए पहले तो मैं ये कहूँ हमने टैक्स कोई नया नहीं लगाया, जो पुराने टैक्स लागू नहीं हो रहे थे वो टेक्नोलॉजी के जरिए हमने लागू कराया, एक मिनट। दूसरी चीज ये कि हमने पिछले बजट में भी टैक्सेस की शराह को कम किया मोबाइल फोन्स के ऊपर। तीसरी बात यह है कि अगर कोई बैरून पार पाकिस्तानी आता है बैरून मुल्क से तो 2-3 माह के लिए तो वो अपना फोन इस्तेमाल कर सकता है फ्री ऑफ चार्ज, तो मेरा ख्याल है कि वो इतने ही अरसा रहते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं रहते। थैंक यू।
वफाकी वज़ीर सनअत पैदावार हमाद अज़हर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा आने वाले वक्त में गाड़ियां बनाने वाली सनअत से ज्यादा बड़ी सनअत